हाय प्रिंस, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम जाने वाले हैं उडुप की एक अंधेरी गली में, जहां कुछ चूतिया लोग का हमेशा वहां जाना आना लगा हुआ होता है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि वो गली है शराब की दुकान। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो आइए दिखाते हैं महाबली टक्करबाज शराबी की। ये महाबली इंसानों से नहीं, लोहे से टक्कर लेने का औकात रखता है, कुछ इस तरह। भड़ी 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 भड़ी। नहीं नहीं, इतना ही नहीं, अभी और पौकी है इस महाबली की टक्कर। लोग तो शराब पीने के बाद इतना अच्छा गांड फाड़ इंग्लिश बोल लेता है ना, तो ब्रिटेन भी सुने तो शर्मा जाए। सच में यार, ये तो गांड फाड़ इंग्लिश बोल रहा है, इसका मतलब ये अंग्रेजी पिया है। ये सब छोड़ो, आपको अब ऐसा शराबी इंसान दिखाऊंगा ना कि आप भी देख करके हैरान रह जाओगे। कोई नाली में मजे कर रहा है तो किसी की वहाँ कुत्ते मुंह चाट रहे हैं। शर्म करो शराबियों, शर्म करो। खैर छोड़ो, अब हमारे लिस्ट का शराबी है अगला शराबी है सिंगर शराबी। बस अंतर इतना है, उधर शराब पीने के बाद अंग्रेजी फूट फूट कर निकालती थी और इधर शराब पीने के बाद अंदर की ढिंचक पूजा जाग जाती है। एक बार जिसने थोड़ी सी पी ली, बेहोश में हो गया। लंटी आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या, शॉट में लगाऊं क्या, बोल लंटी आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या, शॉट में लगाऊं क्या, बोल। खैर अब अगला शराबी है दुखी आत्मा। So there are two types of दुखिया आत्मा in this world। एक तो वो जो अपना दुख पूरी जनता के सामने खुले आम बयां कर देती है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम पूरे देश में शराबी भाइयों को इकट्ठा करेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। हम सभी शराबी भाइयों को पूरे देश में इकट्ठा करके एक बड़ी रणनीति बनाएंगे, जिसमें एक पार्टी होगी, शराबी सदस्य होगा और शराबी ही अध्यक्ष होगा पार्टी। ये बंदा अगर देश का प्रधानमंत्री बन गया ना तो देश को शराबी बना देगा, सच बोल रहा हूँ। दूसरे वो जो कि अपने अंदर का शायरी खुद बयां करता है, कहता काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, कहता काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, कम से कम तोड़ने वाले के हाथों पे निशान तो आया होता। भाई जिंदगी का तो मजे लूटना कोई इनसे सीखे। ये नली के अंदर लोट लगा लगा कर पूरे वाटर पार्क की मजे लूट रहा है। नहा उतरा और नाच बोल में आइए दिखाते हैं शराब पीने के बाद उसके अंदर का भक्ति कैसे जाग जाता है। सच बोल रहा हूँ, इसने अगर अपने होशो हवास में इतना भक्ति की होती ना तो आज ये यहाँ नहीं होता। करो शेरो वारिदो, ओ
यही बात, ये लोग तो यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग तो लेकिन बहुत अच्छे हो, आप लोग तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज, एक लाइक भी कर दो यार, प्यारा से कमेंट भी छोड़ देना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले फाड़ू वीडियो में।